लेट्स डू क्वेश्चन लाइ ऑन फ्रेंड्स हमें ये बताने कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे देखिए फिर से मैं ग्राफ रफली बना रही हूं ये एक्स एक्सिस है पूरी यहां से यहाँ तक की ये पूरी वाई एक्सिस है राइट right, फ्रेंड अब देखिए पहला पॉइंट है ए दैट इज जीरो एंड एट एक्स जीरो है वाई एट है तो ऊपर की तरफ गया तो ये कौन सी एक्सेस तो ये वाई एक्सेस पे लाए करेगा तो एक्स एक्सेस पे लाए नहीं करेगा राइट फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज बी पॉइंट फोर एंड जीरो एक्स फोर है वाई जीरो एक्स फोर है तो एक्स की तरफ चलेगा क्योंकि वाई जीरो है तो ये कौन सी एक्सेस हो गई एक्स एक्सेस राइट right फ्रेंड्स ड पार्ट थर्ड पार्ट इज सी जीरो एंड माइनस थ्री तो देखिए एक्स जीरो है सॉरी हाँ एक्स जीरो है वाई माइनस थ्री नीचे की तरफ आ रहा है वाई माइनस का तो दैट मीन्स दिस इज अक्स लेट्स टू फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट इज डी माइनस सिक्स एंड जीरो तो देखिए x माइनस सिक्स है पहला वाला x होता है तो x माइनस सिक्स है इधर की तरफ चला और वाई जीरो पार्ट फिफ्थ पार्ट इज e टू एंड वन तो x टू एंड y वन x टू इधर आएगा और y वन ऊपर दोनों पॉजिटिव यहां आएगा कहीं तो दैट मीन्स इट डज नॉट लाई एनी वेयर नॉट लाई ऑन एनी एक्सेस. एक्सेस पे लाई करने का मतलब इस लाइन पे लाई करना है क्योंकि ये क्वाड्रेंट में आ गया दैट्स वाई इट्स नॉट लाई ऑन एनी एक्सेस लेट्स टू सिक्स्थ पार्ट सिक्स्थ पार्ट इज़ एफ पॉइंट माइनस टू एन माइनस वन अब देखिए सिमिलरली एक्स का माइनस का टू और वाई का माइनस का वन यहां कहीं लाई करेगा तो लाइ ऑन क्वाड्रेंट ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह नॉट लाइनऑन एनी एक्सेस की जगह लाइ ऑन भी लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ इसने एक्स एक्सेस वाले ही पूछे हैं तो सिर्फ हम एक्स एक्सेस वाले भी आंसर्स दे सकते हैं लेवेंथ पार्ट जी और वाई जीरो तो कौन सी एक्सेस पे लाई कर रहा है एक्स एक्स पे एक्स एक्स पे लाइक कर रहा है लेट्स डू लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट इज एक्च जीरो माइनस टू एक्स जीरो है और वाई माइनस टू है यहाँ पे दैट मीन ये वाई एक्स पे लाए करेगा तो एक्स एक्सेस पे लाई करने वाले कौन कौन से हो गए बी पॉइंट d point and g point is done thank you if you understand the step by step solution of this video please subscribe my channel on maths and share it with your friends thank you